उसने बनवाया, तो मैं क्यों लूं? मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहता हूं उनके बारे में कि है दो ही सूरमा इस वक्त में दुनिया में जाने जाते हैं, कुछ चलते हैं पदचिन्हों पर, कुछ पदचिन्ह बनाते हैं। वो पदचिन्ह बनाने वाला व्यक्ति तुम्हारे बीच में है, आप लोग तालियों से स्वागत करें, मैं उनसे प्रार्थना करूं कि आए और सड़क को संबोधित करें। मंच पर उपस्थित ये जरा पकड़ा दीजिए देश के दो रख देना, बहुत महत्वपूर्ण और सम्मानित और लगातार बुनियादी सवालों को लोगों तक पहुंचा करके उनको जागरूक करने वाले, हालांकि है तो एक उत्तर प्रदेश के, लेकिन उत्तर प्रदेश से ज्यादा उनकी पहचान पूरे देश में है, जिनको पानी के लेकर के न केवल हम लोगों ने सम्मान किया है, बल्कि दुनिया की तमाम जो सबसे ऊंची संस्थाएं हैं उन्होंने भी उनको सम्मान दिया है। ऐसे हमारे वाटरमैन बालन सिंह जी जो मंच पर बैठे हैं, दूसरे पीवी राजगोपाल जी, हालांकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम लिया, हम दोनों उम्र एक है इसलिए एक दूसरे को समझते ज्यादा है। राजगोपाल जी हमारी और उनकी उम्र एक चीज से समझते ज्यादा है, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं। मैं के सिंह जी जो मंच पर उपस्थित है उनका धन्यवाद देता हूं, पार्टी के हमारे प्रदेश के अध्यक्ष गौरी यादव जी यहां के प्रभारी पार्टी के रहे कुछ दिन आए, एमएलसी वासुदेव यादव जी, गौरव दुबे जी और बहुत पुराने कुशवा समाज के नेता और किसानों को जगाने वाले सोने राम कुशवा जी, मंच पर उपस्थित तमाम हमारे समाजवादी साथी जो उत्तर प्रदेश के भी हैं, मध्य प्रदेश के भी हैं, जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं, सभी हमारे समाजवादी साथी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजेंद्र सिंह जी भी यहां पर उपस्थित, बड़ी संख्या में आदरणीय बुजुर्ग किसान भाई आदिवासी साथियों, बड़ी संख्या में हमारी माताएं बहने उपस्थित हैं, माताएं बहने नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले यहां पर उपस्थित आप सभी का, खासकर जो अपना काम छोड़ करके आए हैं गरीब किसान, मैं उनका धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। मैं आप सबको बधाई भी देता हूं, जब मैं चला था लखनऊ से मेरे मन में यह था कि मैं गांव में सीधी में जा रहा हूं, पता नहीं सीधी में कितने लोग होंगे, कितने लोग मुझे मिलेंगे, लेकिन मैं ये कह सकता हूं जितना मैंने सोचा था उससे ज्यादा यहां पर मुझे लोग दिखाई दे रहे हैं। मैं आप आभारी हूं, धन्यवाद देता हूं और के सिंह जी को बधाई जी का बहुत स्वागत करता हूं मैं, जिन्होंने कम से कम यहां बुला करके ये हमारी भोली भाली जनता से एक मुलाकात करने का मौका दिया है, गरीबों से मिलने का मौका दिया है। के सिंह जी आज के बीच के हैं और ये बात हम लोग इसलिए भी समझते हैं, जब वो हमारे जैसी हिंदी बोल रहे थे
तो उतना प्यार आपकी तरफ से नहीं आ रहा था। जैसे ही इन्होंने आपकी भाषा में आपसे बात की, पता लग गया कि हाँ इसी बीच के लोग हैं, अपने जनता के बीच से निकल करके यहाँ पहुंचे हैं। मैं बधाई देता हूँ के सिंह जी को। मुझसे बहुत सारे लोग ये बात कहते थे कि आप समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम भोपाल से शुरू करिए। मैंने बहुत सोचा कि राजधानी से शुरू करूंगा तो पूरे प्रदेश में मैसेज जाएगा। राजधानी में कोई कार्यक्रम होगा तो पूरा देश जान जाएगा, मध्यप्रदेश जान जाएगा। लेकिन मुझे खुशी इस बात की कि के सिंह जी ने अपने गांव में यहाँ जो आबादी ज्यादा नहीं है वहां बुला करके कम से कम केवल इस जिले में संदेश नहीं दिया है, भोपाल और पूरे मध्यप्रदेश में मैसेज दिया है कि हाँ सीधी गांव में देखो समाजवादियों की कितनी बड़ी रैली हो रही है। ये मामूली काम नहीं है। मैं तो चाहता था कि सदस्यता वहीं पर दिला दूं, सदस्यता वहीं पर हो जाए। लेकिन सदस्यता अगर वहां हो जाती तो आप लोगों से कैसे मिल पाते, आपके बीच में कैसे सदस्यता होती। इसलिए लाल टोपी वहीं पर पहनाई है और ये लाल रंग ये बीजेपी के लोग समझने में लाल रंग का है। ये लाल रंग यहाँ जितने लोग बैठे हैं ये मेहनत करने वाले हैं, किसान है, गरीब है, उन्हीं का ये रंग है लाल रंग। और बहुत भेदभाव करते हैं, हमारा खून निकाल लो, अपना खून मिला लेना, अगर लाल के अलावा खून नहीं तो हमें बता देना आप। ये लाल रंग और ये हमारी नई पीढ़ी के लोग जो मोबाइल लेकर के रहते हैं, एक चीज जानकारी कर लेना, हालांकि ये लाल तो है ही रंग, हमारे सर पे भी लाल रंग है, लेकिन मोबाइल पर खोल करके देखोगे अमेरिका के राष्ट्रपति तो सबसे ज्यादा लाल टाई पहन करके आते हैं वो। और अगर सड़क से निकलते हो आपको सावधान करने के लिए कौन से रंग से कहा जाता है ये तो आप जानते होंगे। इसलिए समाजवादी लोग उन तमाम ताकतों को सावधान करने आए हैं जिन्होंने गरीबों और किसानों को आजादी के बाद उन्हें गांव की तकलीफ भरी जिंदगी जीने का हक दिया है, तकलीफ वाली जिंदगी जीने का, परेशानी वाली, और कोई तकलीफ नहीं बदली, कोई तकलीफ नहीं बदली। हम सबने रहने से कहेंगे ये तमाम लोग कहते हैं कि नया भारत बने, न्यू इंडिया बने, हम मानते हैं कि नया भारत बने लेकिन हमारे किसानों का भारत बनेगा तब जाकर के नया भारत बनेगा। जब तक किसान गरीब खुशहाल नहीं होगा तब तक नया भारत नहीं बन सकता। और आज दुनिया जुड़ गई है, दुनिया जुड़ी हुई है कि हाँ क्या हो रहा है, हाँ सबको जानकारी है, कोई यहां सूचना को रोक नहीं सकता, जानकारी को नहीं रोक सकता। इसलिए जो हालात है हमारे देश के, हम तो जानना चाहते हैं सबसे घूमने वाले प्रधानमंत्री हैं बीजेपी के, दुनिया के जाने कितने देश घूमाए, लगातार घूम रहे देश। लेकिन बताओ जितने भी देश घूम करके आए हैं अगर एक जगह भी किसान आत्महत्या कर रहा हो तो हमें बता दो आप। दुनिया के जितने देश बीजेपी के प्रधानमंत्री घूम करके आए हैं कहीं भी एक किसान आत्महत्या नहीं कर रहा है। अगर कई किसान आत्महत्या कर रहा है तो जहां आबादी सबसे ज्यादा किसानों की है वहां किसान आत्महत्या कर रहा है। और तकलीफ कैसे दूर होती है हमें, हमने तो अपने करीब से देखा है। हमारे यहां कह दिया कि किसानों का कर्ज माफ हो जाएगा। मुझे नहीं पता कि बात यहां तक आई होगी कि नहीं आई होगी, लेकिन हमारे यहां सरकार में बनाने के लिए, सरकार में पहुंचने के लिए कह दिया कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे।
कोई फर्ज बाब नहीं हुआ जो होना चाहिए था नहीं हुआ। हमारे किसानों ने उनकी बातों में आकर के वोट दे दिया, सरकार बना दी और इंतजार कर रहे हैं कि यह कर्ज माफ होगा कि नहीं माफ होगा। नहीं माफ हुआ कर्ज। हमारे गरीब बाप भी नहीं भूले हुए 15 लाख वाली, जाओ बैंक में पूछो 15 लाख हमारे अकाउंट में कब आएंगे। हमारे किसान भाई क्या जवाब मिलता है आपको पूछिए कभी। और नोटबंदी कर दी, हमारे गरीबों को लगा कि नोटबंदी से उनकी खुशहाली आ जाएगी, नोटबंदी से उनकी तकलीफ दूर हो जाएंगी। लेकिन बताओ नोटबंदी से क्या हुआ है? नोटबंदी से किसी के हाथ में अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया, लेकिन गरीब को लगा था कि शायद नोटबंदी होने के बाद हमारे बैंक के अकाउंट में पैसा जमा हो जाएगा। आखिरकार ये पैसा जा कहां रहा है? हमारे जितने जागरूक लोग हैं वो जानते होंगे कि जो नोटबंदी के बाद पैसा जमा हुआ बैंक में किसी गरीब किसान को नहीं मिला, जो खजाने में आया भी पैसा तो वो कुछ लोग बाहर लेकर के चले गए, विदेश चले गए। बात तो यह थी कि विदेश से पैसा आएगा, लेकिन विदेश पैसा चला गया। और जब तक किसान खुशहाल नहीं होगा कुछ भी कोशिश कर लो, हमारे किसान के जब तक बीच में खुशहाली नहीं आएगी हमारा देश खुशहाल नहीं हो सकता। और खुशहाली को रोकने का काम अगर किसी ने किया है तो ये सरकारें, इन्होंने किसानों के बीच में खुशहाली रोक दी। आबादी बढ़ गई। अगर आपने देखे देश के दुनिया के, बताओ हमारे देश आर्थिक स्थिति में अगर हम सूची निकाले दुनिया के तमाम तरक्की करे हुए देशों को, तो हमारा देश अगर 180 सबसे ताकतवर आर्थिक रूप से मजबूत देश अगर है तो हमारे देश का नाम 140वें नंबर पर है, 140वें नंबर पर। आबादी बढ़ती चली जा रही है, संसाधन कम होते चले जा रहे हैं। और ठीक क्या राजेंद्र जी ने कि ऐसा भी बताएगा कि पानी नहीं होगा। अगर आज इस पीढ़ी ने नहीं सोचा पानी के लिए, नदियों के लिए, तो कौन सोचेगा आने वाली पीढ़ी को पानी देकर के, नदी देकर के जाए। हमारे देश में तो याद होगा आपको प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम गंगा साफ कर देंगे, गंगा में पानी बहेगा। अभी 2 दिन पहले गंगा में लाखों मछलियां मर गई। और ये मैसेज है, अगर मछली मरी है अभी तो अगली खबर हमारी और आपकी हो सकती है। क्योंकि जब पानी से मछली मर जाए समझ लो पानी मरा हुआ है, जिंदा पानी नहीं है। ये धोखे भी आने लगा था। किसान को बताओ उसकी पैदावार का कितना मूल्य मिल गया। यही बीजेपी सरकार ने कहा था कि हम देखना लागत का देखना दे देंगे। हमारे किसानों को कहां 1.5 गुना मिल गया, बताओ कितने को 1.5 गुना मिल गया। न गेहूं की कीमत और न किसी पैदावार की कीमत दे पाई सरकार। हमारे मजदूरों का भी काम छिन गया, मजदूरों को कोई काम नहीं मिल रहा। ये सही है कि के सिंह साहब ने कहा कि यहाँ पर हिंदू वाली पत्नियों का बहुत काम होता है, पत्तियां निकाली जाती हैं, बड़ा काम है यहाँ पर। तभी मैंने उनसे कहा कि ये पत्तियां तो यहाँ निकाली जाती हैं लेकिन सबसे ज्यादा बीड़ी अगर कहीं बनती है तो हमारे क्षेत्र में बीड़ी बनती है। पत्ती यहाँ, बीड़ी वहां, और पीने वाले तो कारोबार कौन कर रहा है, कहां जाएगा अपनी खजाने का पैसा। जब बीजेपी सरकार में आई तो बताया कि हमारे इतने पैसे हैं खजाने में, पुरानी सरकार के कहा कि इतना 1,00,000 करोड़ है पीछे हमारे खजाने में, जो एनपीए में चला गया तो नहीं मिलेगा पैसा। लेकिन 4 साल में कितना बढ़ गया, 8,00,000 करोड़ पहुंच गया है, 8,00,000 करोड़।
जो कभी 2 लाख करोड़ था वो 8 लाख करोड़ पहुंच गया। और हम तो कहना चाहते अपने किसान भाइयों से, आपकी आवाज अगर नहीं उठी, आपकी आवाज अगर एक जगह नहीं पहुंची, तो ये सरकारों से आपकी भलाई नहीं हो सकती। अभी हमारे जो संचालक महोदय, उन्होंने कहा कि हमने 55 लाख महिलाओं को पेंशन दी थी। गरीब महिलाएं गांव में चले जाओ, बुजुर्ग माताएं एक ही समस्या है कि हमें पानी नहीं है और दूसरा हमारी पेंशन नहीं बन पा रही है। हमने इंतजाम किया उत्तर प्रदेश में कि कोई भी गरीब माता बहन होगी और गरीब है अगर, तो उसकी सरकार की तरफ से पेंशन बनवाने का काम कर देंगे और 500 रुपए महीना उनके अकाउंट में हम लोग पहुंचा रहे थे। क्योंकि आज टाइम तो बस साड़ी नहीं है। नेताजी ने एक बार कह दिया था कि गरीब जो हमारी माताएं बहने हैं, सरकार बनेगी तो हम 2 साड़ियां सरकार की तरफ से दे देंगे उसको। इसीलिए हमने पेंशन चलाई, समाजवादी पेंशन, और देश में सबसे बेहतरीन पेंशन चालू की। हम तो कहते हैं कि मध्य प्रदेश के लोग भी एक हो जाएं, समाजवादियों के साथ आए, तो हम लोग भी समाजवादी पेंशन यहाँ की माताएं बहनों को पहुंचाने का काम करेंगे। और 500 से काम नहीं चलेगा, 500 में समाजवादी पेंशन का काम नहीं चलता। समाजवादी सरकार बनी होती तो इस बार हम लोग 1000 रुपया गरीब माताओं बहनों को पेंशन देने लगते। अगर मध्य प्रदेश है जो पीछे है बहुत सी चीजों में, हम समाजवादियों को मौका दीजिए। समय आएगा तो अगर हमें 2000 रुपए भी समाजवादी पेंशन देनी पड़ेगी तो मध्य प्रदेश की गरीब माता बहनों को समाजवादी सरकार में या सहयोग से जो बनेगी सरकार, उसमें समाजवादी पेंशन देने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश ने कहा कि हम किसानों का कर्ज माफ कर देंगे। वहां देवघर की सरकार है, प्रदेश में भी सरकार बीजेपी की, केंद्र में भी सरकार बीजेपी की, लेकिन किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ। हम समाजवादी ने सरकार में थे, कॉपरेटिव बैंक का जितने था 50,000 तक का हम लोगों ने किसानों को कर्ज माफ कर दिया था। हम तो चाहते हैं कि जो कहा आपने कि तीसरी ताकत सरकार में आए, अगर तीसरी ताकत सरकार में आएगी और समाजवादियों को मौका मिलेगा तो हम किसानों का भी कर्ज माफ करने के विचार करेंगे। अगर उद्योगपतियों का कर्ज माफ हो सकता है तो हमारे किसानों का कर्ज माफ क्यों नहीं हो सकता। और हम कहते हैं पत्रकार साथियों, हिसाब किताब लगा लो, जो पैसा बाहर चला गया यही पैसा मध्य प्रदेश के खजाने में होता, तो जितना मध्य प्रदेश के किसानों का कर्ज है उतना पूरा का पूरा कर्ज उतने पैसे से ही माफ हो जाता। और जो केंद्र सरकार ने राहत दी है बड़े बड़े उद्योगपतियों को, बड़े बड़े कारखाने लगाने वालों को, अगर उतनी राहत का पैसा अगर हम किसान को दे दें तो हमारे पूरे देश के किसानों का कर्ज माफ हो सकता है। ये हमारे देश का दुर्भाग्य है, जहाँ किसान सबसे ज्यादा है उसका कर्ज माफ नहीं हो रहा। उद्योगपति गिनती के हैं, उनका पूरा का पूरा कर्ज माफ हो रहा है। और ये हिसाब किताब कोई मैं नहीं बना के लाया हूँ, ये हिसाब किताब केंद्र सरकार के उनके आंकड़ों का हिसाब किताब है। इसलिए हम कहते हैं कि आपकी अपनी ताकत पहचानिए और वही पहचानिए कि कौन सी पार्टी है जो आपके सवालों का जवाब और किसानों की तकलीफ दूर कर सकता है। अगर समाजवादियों को मौका मिलेगा तो हम किसानों का कर्ज माफ करने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। अभी उन्होंने कहा कि सड़क बनाई हम लोगों ने, सड़क बनाई, और हमें खुशी इस बात की समाजवादियों को कि समाजवादियों ने ऐसी सड़क बनाई कि अगर हवाई जहाज भी उतारना चाहोगे तो सड़क पर हवाई जहाज उतार लोगे। हम तो जानना चाहते हैं 3 बार के मुख्यमंत्री हैं, कोई एक सड़क मध्य प्रदेश में बता दे जिसमें हवाई जहाज उतर जाएगा। एक सड़क हमें बताओ, कोई एक सड़क हो तो बताओ। वो तो हमारी उम्र में भी ज्यादा है, 3 बार मुख्यमंत्री रहे, हम तो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे और देश की सबसे बेहतरीन सड़क बनाई है। अगर कहीं हवाई जहाज देश में उतर सकता है किसी सड़क पर, और वो भी कब,
जब कभी आपको पाकिस्तान और चीन से खतरा होगा, आपके एयरपोर्टों से अगर हवाई जहाज नहीं उड़ पाएंगे तो वो सड़क ऐसी है कि आपको जरूरत पड़ने पर वहां पर हवाई जहाज उतार लो और हवाई जहाज वहीं से ले जाकर के कहीं जाकर के दुश्मन का जवाब दे दो। और वो सड़क ऐसे नहीं बनाई हमने, हमें कहते हैं बीजेपी के लोग कि आप हमारी तरह नहीं है, क्योंकि हमारे यहां मुख्यमंत्री एक बाबा बने हैं, बाबा योगी है वो। वो कहते हैं कि हमारे जैसे आप नहीं है। हमने भी स्वीकार कर लिया कि हम आपके जैसे नहीं हैं, हम ऐसे हैं कि सड़क बनाते हैं 19 महीने में और मिराज को कोई उस पर उतर जाता है। ऐसी समाजवादी लोगों की सड़क है। अगर सड़क बना सकते हैं देश की ऐसी कोई सड़क है जो नहीं हो। और ये सड़क इसलिए नहीं बनाई कि केवल हवाई जहाज उतरे। आप बताओ दुनिया में सबसे ताकतवर देश कौन है, सबसे ताकतवर देश कौन है आर्थिक रूप से राजनीतिक रूप से, जिसकी नकल हम सब लोग करते हैं। बताओ कौन देश है सबसे बड़ा ताकतवर। और अमेरिका के बारे में कहा गया, किताबें पढ़ लें, देखें आप, अमेरिका के बारे में कहा गया कि अमेरिका ने सड़कें बनाई और सड़कों ने अमेरिका बना दिया। इस समाजवादी लोगों ने देश की सबसे बेहतरीन सड़क बना के काम किया और उसके किनारे हमें किसी बड़े बेड़े को नहीं दिया, उसके किनारे हमें जमीन दी है मंडियों के लिए, किसानों के लिए। आखिर किसानों की मदद कौन करेगा अगर हमारी अच्छी मंडी नहीं होगी, अच्छा प्रशासन नहीं होगा तो किसान की मदद कैसे होगी। इस जो सड़क के किनारे हमने किसी बड़े उद्योगपति को जमीन नहीं दी, हमने वहां पर दी तो किसानों की मंडियां बनाना शुरू कर दिया। 100-100 एकड़ की मंडियां बन रही थी, आलू अनाज सब्जी और दूध की मंडियां बन रही थी, क्योंकि यही चीजें हैं जो हमारे किसान को खुशहाल बना सकती हैं, यही चीज है जो शहरों में जाकर के बाजार में पहुंचेंगे और हमारी अर्थव्यवस्था को बेहतर कर देंगे। और हमने केवल सरकार की मंडी नहीं बनाई, हमने बाबा रामदेव जी को भी मदद किया। इधर बाबा रामदेव जी ने बहुत योग सिखाया और योग सिखाते सिखाते उन्हें महसूस हुआ कि अगर हम दूसरा काम भी करें, दूध सब्जी घी का, तो उसमें भी बहुत तरक्की है आटे में। तो बाबा रामदेव का सामान आता है कि नहीं आ रहा है बताओ। पहले वो रोज सिखाते थे, योग से तो स्वस्थ होते ही हैं, लेकिन अगर अच्छा खाना पीना नहीं मिलेगा तो स्वस्थ कैसे हो जाओगे। इसलिए हमने बाबा रामदेव जी को भी 400 एकड़ से ज्यादा जगह दी और इसलिए दी कि कम से कम उनके भी सामान जहां बाजार में पहुंचे हमारे किसान से खरीदेंगे और दुनिया के और देश के बाजार में पहुंचाने का काम करेंगे। ये व्यवस्था कोई बना सकता है तो समाजवादी लोग बना सकते हैं। अपने चुनाव में देश के बहुत बड़े 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 पत्रकार मुझसे मिलने आए थे और ये नौजवान साथियों मैं आज के लिए कहना चाहता हूं, ये हमारे संगठन के तो हमारे जैसी नकल करने लगे हैं वो अलग बात है, लेकिन ये नौजवानों से मैं कहना चाहता हूं, जिस समय मैं उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ रहा था, देश के जो वरिष्ठ पत्रकार हैं जिसमें शेखर गुप्ता जी, प्रणव रॉय से लेकर के तमाम वरिष्ठ पत्रकार हमसे मिले थे, उन्होंने कहा कि क्या बदलाव देखा है पिछले चुनाव में और इस चुनाव में। मैंने उनसे कहा कि मैंने बहुत बड़ा बदलाव देखा है इस चुनाव में और वही बदलाव मैं थोड़ा थोड़ा यहां देख रहा हूं मध्य प्रदेश में भी। मैंने कहा कि जो नौजवान है, एक तो हमारी सभा में नौजवान ज्यादा आ रहे हैं, दूसरा बदलाव मैंने कहा कि उनको जींस पहने देखा मैंने, और तीसरा मैंने कहा उनके हाथ में मोबाइल भी मैंने देखा। ये तीन बदलाव दिखाई दिए जो इस चुनाव में और मुझे लगता है मध्य प्रदेश में भी यही दिखाई दे रहा है। और मैं नौजवानों से इसलिए कहना चाहता हूं, ये आपकी जिम्मेदारी है कि देश कैसा बने और आने वाली पीढ़ी को कैसा देश देकर के जाए, ये आपकी जिम्मेदारी है। इसलिए हम आपसे विशेष अपील करना चाहते हैं, ये नौकरियां रोजगार मिलना दूर, हमें तो खतरा लगता है कि एक पीढ़ी ऐसे ही निकल जाएगी जिसको कभी नौकरी और रोजगार कभी हाथ ही नहीं आएगा।
ऐसा दुर्भाग्य किसी देश का नहीं है, हमारे देश का होने जा रहा है। एक पीढ़ी ऐसी निकल जाएगी जिसके हाथ में कोई काम कोई रोजगार नहीं होगा। ये कोई सोच सकता है कि हमारे देश की हालत हो? और क्या सपना दिखा रहे बीजेपी के लोग? बीजेपी के लोगों ने सपना तोड़ा है नौजवानों का, नौजवानों का सपना तोड़ दिया। चार साल में बताओ कितनी नौकरियां दी बीजेपी के लोगों ने? बीजेपी के लोगों ने काम की, हर साल करोड़ों नौकरी मिल गई। कौन सी नौकरी मिल गई किसी नौजवान को बताओ हमें? कोई बता दो हमें। हमारी जो अर्थव्यवस्था है वो ऐसी कर दी जीएसटी और नोटबंदी से कि हमारा उद्योगपति आज नहीं पनप सकता है। कई हजार उद्योगपति देश छोड़ के जा चुके हैं, जो ज्यादा पैसे वाले हैं, जो कारोबार कर सकते थे, नौकरी दे सकते थे, रोजगार दे सकते थे। बीजेपी की सरकार ने वो इतने डरे कि वो भारत छोड़ करके चले गए। और भारत छोड़ करके चले गए इसका मतलब ये आपका पैसा चला गया। कई सरकार बड़े बड़े उद्योगपति आपका देश छोड़ करके चले गए। ये देश को देश का खतरा पैदा कर दिया है। और हम मुकाबला करना चाहते हैं बहुत ही देशों से, हमें आजाद करके, हमें और आपको उलझा दिया उन्होंने, हमें और आपको उलझा दिया दूसरे मामलों में। सुना है मैंने कि यहां पर मध्य प्रदेश में बच्चे अब स्कूल में जय हिंद बोलेंगे, हमारे यूपी में कहा कि कौन बोलने का क्रम नहीं जाएगा। हमने कहा कि उत्तर प्रदेश में सब जंगल बन जाते हैं। हमने सुना मध्य प्रदेश में जय हिंद, जय हिंद के बिना पढ़ाई नहीं होगी। यही तो है, यही तो कह रहे हैं कि जय हिंद के बिना पढ़ाई नहीं होगी। हम कहते हैं समाजवादी लोग, और हम कहते हैं कि हम जय हिंद भी बोलेंगे। और इस बार जब वोट पड़ेगा तो जय हिंद बोल करके आपको सबक भी सिखाने का काम करेंगे। और जो नौकरी कितनी दी, 80% नौकरियां नहीं है। मध्य प्रदेश का 90% नौजवान बेरोजगार है, 90% नौकरी नहीं मिल सकती। आप क्या कर रहे थे 15 साल? यही मुख्यमंत्री आए थे उत्तर प्रदेश में। अब मुझे नहीं पता ये क्या है मुख्यमंत्री, हालांकि हमारे साथ लोकसभा में थे तब तो अच्छे थे, लेकिन अब पता नहीं कैसे हो गए, ये हमें भी नहीं पता है। उत्तर प्रदेश में आए कहा कि यहाँ काम नहीं बोलता है, कारनामा बोलता है। आप उत्तर प्रदेश की रिकॉर्डिंग निकाल लेना, हमारे चुनाव में जब हम बोल रहे थे काम बोलता है, तो यही के मुख्यमंत्री बीजेपी के लोग कह रहे थे कि कारनामा बोल रहा है। और सुनाया अखबार में आज हमारी नकल कर करके ये भी कह रहे हैं कि काम बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है, बताओ। जब हमारा काम नहीं बोला तो तुम्हारा कौन सा काम बोलेगा, ये बता दो पहले। यही तो अखबारों में निकल रहा है, हमारा काम बोलता है कह रहे थे कारनामा बोलता है, और आज कह रहे कि काम बोल रहा है। और मैं कहना चाहता हूं आपको, हमारे आदरणीय राज्यपाल जी ने बहुत अच्छी बात कही कि आदिवासी दलित सबको हमें मार्च करना है और जाकर के अपनी आवाज बुलंद करना है। हम भी अधिकार दिलाना चाहते हैं आदिवासी समाज के लोगों को। कोई परिवर्तन करना पड़े फॉरेस्ट के कोई कानून में परिवर्तन करना पड़े, हमारे पेड़ भी सुरक्षित रहे, लेकिन हमारे आदिवासियों को भी हक और सम्मान मिलना चाहिए। हक और सम्मान तब मिलेगा जब हमारी आपकी गिनती हो जाए। हम लोगों को गिनती ने उलझा दिया, हमारे उत्तर प्रदेश ने झगड़ा करा दिया, झगड़ा ये करा दिया कि यादव ने सब सामान छीन लिया, एक जात को दूसरे जात से लड़ा दिया, दूसरी तीसरी जात से लड़ा दिया। और आज समाज में जो झगड़ा है वो यही झगड़ा है कि आज हमें पता ही नहीं कि हम आबादी में कितने हैं, हमारी गिनती क्या है, हमें नहीं पता। इसलिए हम बीजेपी के लोगों से कहना चाहते हैं, बहुत आधार कार्ड बनाया है आपने, यहां भी आधार कार्ड बन गया होगा सबका। कितने लोग छूटे जिनका आधार कार्ड नहीं बना, ये बताओ हमें।
हम नहीं समझते कि कोई छूटा होगा। धीरे धीरे आधार कार्ड सबका बन रहा है, बन गया, और आधार से इन्होंने अकाउंट जोड़ दिया, आधार से इन्होंने रजिस्ट्री जोड़ दी, आधार से मोबाइल भी जोड़ रहे थे, आधार से सब सुविधाएं, राशन कार्ड सब सुविधाएं जोड़ रहे हैं। तो हम इन्हीं से कहना चाहते हैं, आधार से हमें भी जोड़ दो और गिन दो, हमें भी, हम भी जुड़ना चाहते हैं आधार से और गिन दो हमें, और गिन करके बता दो और आबादी के हिसाब से हक का सम्मान दे दो। जब तक आबादी के हिसाब से हक का सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक हमारा समाज और हमारा देश आगे नहीं बढ़ सकता है। कैसे बढ़ेगा आगे? हमें आज से धोखा दे दिया नोटबंदी के बहाने। नोटबंदी से कहा कि हमारा काला धंधा पिटा जाएगा। हमारा कहा गया कि नोटबंदी से काला धंधा पिटा जाएगा। और मैं आपको भी कहता हूं और पत्रकार साथियों में कहना चाहता हूं, ये रुपया नहीं होता काला सफेद, ये हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। ये रुपया नहीं काला सफेद होता है। बीजेपी के लोगों ने कहा कि रुपया काला सफेद होता है, नोट बंद कर दिया। ये रुपया काला सफेद नहीं होता, हमारा आपका लेन देन काला सफेद होता है। धोखा दिया हमें, न जाने कितने लोगों की जान चली गई, कारोबार छिन गया और देश आर्थिक रूप से पीछे चला गया। कोई जवाब नहीं इनके पास। इसीलिए मैं आज सबको सावधान करने आया हूं और आज सबसे अपील करने आया हूं। हालांकि कभी सीधी हम बहुत पहले आए थे, जब राजनीति में हम लोग नए थे, शुरुआत थी बिल्कुल राजनीति की। एक विधानसभा क्षेत्र में हम लोग चुनाव लड़े थे और एक समय तक समाजवादी पार्टी यहां से 7 विधायक जीत करके गई थी। समाजवादी पार्टी 7 विधायक जीत करके गई थी। उस समय आपके बेटा के सिंह जी भी विधायक थे यहां से, वो समाजवादी पार्टी से विधायक बन करके गए। हम चाहते हैं हमारा आपका रिश्ता फिर जुड़े, हमारा आपका रिश्ता समाजवादी रिश्ता और मजबूत हो, और इसलिए मजबूत हो क्योंकि समाजवादी लोगों ने काम करके दिखाया है। और कोई विकास का रास्ता अगर हो सकता है तो यही जो समाजवादी विकास का रास्ता है, इसी से हमारे गरीब और किसान खुशहाल हो सकते हैं, हमारी माताएं बहनों को सम्मान मिल सकता है। हम कहते हैं कि कौन पार्टी, कौन सरकार है जो 2000 रुपया समाजवादी पेंशन अपनी माताओं बहनों को देना चाहता है? हम समाजवादी लोग गरीब अपने माताओं बहनों को 2000 रुपया समाजवादी पेंशन देकर के उनको सम्मान देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये हमारा चुनाव का पहला मुद्दा होगा। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि आवाज बनना चाहिए, 1,25,000 में आवाज बन जाएगा इस महंगाई में। कोई हमें गरीब बताओ, हम उत्तर प्रदेश में 3,05,000 रुपए दे रहे थे गरीब को लोही आवाज के नाम था, 3,05,000, और उसमें कोई भी कनेक्शन लेने में पड़ता, 1 सोलर पैनल देते थे, 2 बल्ब और 1 पंखे फ्री दे देते थे गरीब को लोही आवाज दे रहे थे। समाजवादियों को मौका दीजिए, यहाँ भी गरीब जनता को हम लोग 3,00,000 से ज्यादा रुपए का लोही आवाज देकर के उनको हमेशा हमेशा के लिए घर देने का काम करेंगे। और ये जो नोट छाप गया है बैंकों में, बहुत नोट पहुंच गया है, बहुत नोट छपा है बैंकों में, बहुत नोट आ गया, बीजेपी वाले कह रहे हैं। तो हम किसानों का कर्ज माफ करने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। वो हमसे पूछेंगे कि बजट जब समाजवादियों को दे दो बजट, तो वो जानते हैं बजट को कैसे चलाया जाता है। और जब उत्तर प्रदेश का 4,00,000 का बजट हम लोग चला सकते हैं, तो मध्य प्रदेश का तो 2,00,000 से कम का बजट है, इसको तो और चला सकते हैं हम लोग, क्योंकि यही रास्ता है खुशहाली का। हम समाजवादियों ने तो लैपटॉप भी बांट दिया था, लेकिन पता नहीं बीजेपी के लोग लैपटॉप दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, वो नहीं दे पाएंगे। 18,00,000 हम लोगों ने दिया था बिना जाति भेदभाव के। इसलिए हम समाजवादी लोग नौजवानों को आगे बढ़ाने के लिए
इनके लिए विशेष योजना भी चलानी पड़ेगी, तो हम लोग मध्य प्रदेश में घोषणा पत्र के माध्यम से चलाने का काम करेंगे। और उत्तर प्रदेश में चुनाव है 19 में, उत्तर प्रदेश का चुनाव तो आपने देखा होगा, भी उपचुनाव दो हुए थे, कभी इतिहास में कोई मुख्यमंत्री अपना क्षेत्र ऐसे हरा होगा तो बता दो हमें। वहां की जनता नाराज थी, जनता ने समाजवादियों की मदद की और साइकिल इतनी तेज चलाई कि लोकसभा उनको हरा दिया, लोकसभा में वो पीछे रह गए। और उप मुख्यमंत्री भी आ गए, मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री को किसी ने हराया तो समाजवादी लोगों ने हराया, और हम तो कहते हैं समाजवादियों ने नहीं हराया, ये गरीब जनता जिसको धोखा दिया था उस जनता ने एक होकर के वोट डाल करके इनको बीजेपी के लोगों को सबक सिखाने का काम किया। और जो बात आप कह रहे हैं संविधान, ये सच है कि संविधान को बहुत बड़ा खतरा है, लोकतंत्र को खतरा है। बताओ कर्नाटक में क्या हुआ, दो पार्टियां मिलकर के सरकार बनाना चाहती है, विधायक ज्यादा है लेकिन उसकी सरकार नहीं बनने दे रहे हैं। वहां की जेडीएस और कांग्रेस पार्टी मिलकर के सरकार बनाना चाहते हैं, उनकी संख्या ज्यादा है विधायक की, लेकिन बीजेपी के लोगों ने मौका नहीं दिया। जिन तक विधायक नहीं है वो सरकार बनाना चाहते हैं। हम धन्यवाद देंगे सुप्रीम कोर्ट का कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कल 4 बजे तक तय कर दो कि बहुमत किसके साथ है, नहीं तो फैसला बदल जाएगा। और ये देखिए 4 बजे कल फैसला होना है। और विधायक के लिए क्या कर रहे हैं, अगर गेस्ट हाउस में रुके हैं तो गेस्ट हाउस की पुलिस हटा ली, वो हवाई जहाज से जाना चाहते थे दूसरी जगह, हवाई जहाज को उड़ने की परमिशन नहीं दी, कम से कम हमें तो परमिशन दे दी, हम उतर गए हैं। लेकिन कर्नाटक के विधायक जाना चाहते थे दूसरी जगह, हवाई जहाज उड़ने की परमिशन नहीं दी बीजेपी के लोगों ने, वो नहीं जा पाए, बस बदलते रहे रात में, सब जाकर के ठिकाने पर पहुंच पाए। ये खतरा पैदा किया बीजेपी के लोगों ने, ये बीजेपी के लोग लोकतंत्र के लिए खतरा नहीं है, ये हमारी और आपकी आजादी के लिए खतरा है, इसलिए इनको सबक सिखाने का काम हमें और आपको मिलकर के करना होगा। इसलिए आज हम आपसे इतना ही अपील करना चाहते हैं, निवेदन करना चाहते हैं, ये सबसे ज्यादा खुशी का समय हम समाजवादियों के लिए है मध्य प्रदेश में। आज एक छोटे से गांव में इतना ऐतिहासिक कार्यक्रम, आवाज भोपाल से ना आती, आवाज टीवी से भोपाल पहुंचेगी, इसलिए हम के सिंह जी के पास आए हैं, इनको बधाई देते हैं, इनका स्वागत करते हैं, धन्यवाद देते हैं। और अपने समाजवादी साथियों से मैं कहूंगा कि समाजवादी साथियों, देश को कोई बचा सकता है, किसानों को कोई खुशहाली के रास्ते पर ले जा सकता है, माताओं बहनों का सम्मान कोई दे सकता है, और नौजवानों को नौकरी और रोजगार की तरफ मोड़ सकता है, तो वो समाजवादी विचारधारा है। हम तो अपने तमाम लोगों से कहेंगे कि समाजवादियों की मदद करिए, आइए साथ मिलकर के हम लोग एक नई दिशा में और नए रूप में मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाएं और देश में एक नई ताकत के साथ जुड़ करके कम से कम परिवर्तन की आवाज अगर कहीं से उठे, अगर उत्तर प्रदेश से उठे तो मध्य प्रदेश से भी समाजवादी आवाज में एक होकर के आवाज उठे। आने वाले समय में अगर कोई बदलाव कर सकता है तो समाजवादी लोग बदलाव कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, मैं आप सबका आभारी हूं कि आप सब लोग काम छोड़ करके अपना मेहनत का काम छोड़ करके और इतनी गर्मी में आपने यहाँ सभा को सफल बनाने का काम किया, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। अपनी तमाम माता बहनों को भरोसा दिलाता हूँ, जो समाजवादी पेंशन कहा मैंने, हम समाजवादियों को मौका मिलेगा तो अपनी माता बहनों को 2,000 रुपया समाजवादी पेंशन का देने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। बहुत बहुत बधाई के सिंह जी को एक बार फिर, बहुत बहुत बधाई और इनका बहुत बहुत स्वागत समाजवादी पार्टी में। एक बार फिर ये यहीं से सदन में पहुंचेंगे, दो बहुत ही प्रतिष्ठित लोग और देश के जाने लोग आए, हमें ये सरप्राइज था कि मंच में मिले, इसलिए आप लोगों का भी धन्यवाद और कुशवा जी का बहुत बहुत धन्यवाद, ये लड़ाई हमारे साथ मिलकर लड़िए आज दिल्ली में और फिर आपके साथ मुरैना में हम लोग मिलकर के काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ कि आदरणीय तेजस्वी साहब का ये धन है कि आपके प्रति आधार व्यक्त करें। मैं एक मिनट लूंगा, मैं अपने सभी कार्यकर्ताओं जिन्होंने बहुत मेहनत करके और
रात दिन करके इस मंच को खड़ा किया, इस पंडाल को खड़ा किया, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। मैं गौरव दुबे जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, उन्होंने 7 दिन में ये कायाकल्प कर दी यहाँ पे। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और ये मध्य प्रदेश ब्रिगेड साहब